हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास शुक्ला बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक टॉपिक देखा था क्लॉक, जो कि एसएससी पर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, जो कि दो तीन क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए थे। उसमें आपको मैंने जो है उसके बारे में बताया था कि इसमें तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपका था इमेज, दूसरा था आपका एंगल और तीसरा था आपका एरर। इसी पर मैंने आपको तीनों बात पिछले वीडियो के अंदर बताई थी। अगर आपने पिछले वीडियो अगर मिस किया हो तो आप बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट टाइमर, वापस बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइमर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है वो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड कमेंट पर डालते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को और किस चीज़ की जरूरत है। ठीक है, इमेज के अंदर अपन ने वाटर इमेज देखा था और मिरर इमेज देखा था। इसके मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, बहुत ईजी सा शॉर्ट ट्रिक्स था वो आपका। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, एंगल डिपेंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। कहना तात्पर्य ये कि अपन इसको ईजी नहीं बोल सकते, लेकिन अपन ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। इसमें कुछ फॉर्मुलेस बनते हैं, जैसे तीन या चार प्रकार के फॉर्मुलेस बनते हैं, उन तीन या चार प्रकार के फॉर्मुलेस को अपन यूटिलाइज करेंगे। याद किसी को कुछ नहीं करना, बस यूटिलाइज लेना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यूटिलाइज लेना है विदाउट पेन एंड पेपर के, मतलब हल्का फुल्का पेन और पेपर का यूज़ लेना है आपको। ठीक है डन, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट है अपना पास में, एंगल डिपेंड क्वेश्चन, जिसका पहला जो फॉर्मेट है, पहला जो फॉर्मेट है वो जीरो डिग्री, जीरो डिग्री बोल सकते हो या फिर 360 डिग्री बोल सकते हो। क्या क्या है, फर्स्ट जो फॉर्मेट है एंगल का वो जीरो डिग्री या फिर 360 डिग्री। दोस्तों, मैंने आपको एंगल के अंदर दो पार्ट बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको एंगल टू टाइम, फिर बताया था मैंने आपको टाइम टू एंगल। इन दोनों ही पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज अपन कौन सा पार्ट देख रहे हैं, आज अपन देख रहे हैं कि अपन को यहाँ पर डिग्री देकर रखा है और क्या पूछेगा अपन को, टाइम पूछेगा, तो एंगल टू टाइम अपन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके अनुसार अपन बात करते हैं। तो जीरो डिग्री और 360 डिग्री क्या कब बनेगा, कितने समय में बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से सामने आ सकता है कि बताइए ज़रा कि दो से तीन के बीच में, दो से तीन के बीच में दोनों सुइयां, घड़ी के दोनों सुइयां कौन कौन सी, मिनट वाली और घंटे वाली जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में कब जीरो डिग्री का कोण बनाएगा या फिर 360 डिग्री का कोण बनाएगा या फिर संपाती होगा। ये तीन फॉर्मेट पर इसमें क्वेश्चन पूछता है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जीरो डिग्री या फिर 360 डिग्री, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या चीज़, चलो देखते हैं। एक छोटी सी अपन एक घड़ी बनाते हैं, उस घड़ी के अंदर कुछ पॉइंट्स जो कि नंबर पर डिपेंड होगी वो लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर घड़ी बनाई एक। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले ये देखिए जरा, इसमें अपन कौन कौन से जो है जो पॉइंट्स अपने पास में, जैसे एक तो मिनट वाली सुई है उसके बारे में बात करेंगे और एक घंटे वाली सुई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो कुछ पॉइंट्स के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मिनट वाली सुई जो कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। ये आपको नोट करने वाली चीज़ है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 का। चलो उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, ये बताओ जरा कि अगर फिलहाल यहाँ पर कितने बज रहे हैं, फिक्स 12, डन। अब 12 से एक की तरफ जाएगा तो मिनट वाली जो सुई है वो पूरा चक्कर लगाएगी, तभी जा करके एक बजेगा। ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में कितना, 360 डिग्री हुआ, डन। तो पूरा चक्कर कितने में लगाया, 60 मिनट में लगाया, कितने में लगाया, 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की जो सुई है वो 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, कितने डिग्री का, 360 का। तो एक मिनट में लगाएगी तो 360/60 बराबर कितना, 6। तो 6 डिग्री, इसका मतलब एक मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6। ये बेसिक कंसेप्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा, इसको या तो सीखो या फिर इसको याद करो, डन। फिर अपने अपने वाले पॉइंट को वापस आएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी कौन से मिनट की, मिनट वाली सुई की, जो कि एक मिनट में कितना डिग्री चल रहा है, 6 डिग्री चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर कि 3 से 5 के बीच, 3 बजे से 5 के बीच मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
अभी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पर है। 3 से 5 के बीच मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अच्छा, कितने घंटे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? 2 घंटे के अंदर भाई, 3 से 4 एक घंटा हो गया यहाँ पर, और 4 से 5 कितने घंटे हो गए टोटल? 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे में यहाँ पर मिनट की संख्या कितनी हो गई? 120 मिनट की संख्या हो गई। तो अभी अपने कंसेप्ट में क्या सीखा कि एक मिनट में मिनट वाली स्विच कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो इसका मतलब 120 को 6 से मल्टीपल करना होगा, अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही जैसा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर अपन नॉलेज ना हो कि मिनट वाली स्विच कितने डिग्री चलती है, घंटे वाली स्विच कितने मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो अपन को ये चीज़ पता ना चलेगी। ठीक है, चलो उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो 0, 6 × 12 620 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगी। अब वापस देखो, मैंने क्या बताया था, एक घंटे में पूरा चक्कर लगेगा 360, 2 घंटे में कितना? वापस 360, तो 360 प्लस 360 कितना हो गया? 720। अपना आंसर क्या है? 720। ठीक है, तो नोट डाउन करने वाली चीज़ें, बगैर विदाउट पेपर एंड पेन के अपन कर सकते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी से क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये तो हुआ आपका किसका? मिनट का। अब अपन बात करते हैं घंटे वाले में। तो घंटे वाली जो सुई है, एक मिनट में 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री कोण बनाती है। अब ये कैसे हुआ, इसका वेरिफिकेशन अपन करते हैं। चलो देखो, अभी कितना बज रहा है यहाँ पर? 12। ठीक है, 12 से 1 की तरफ जाएंगे तो टोटल हुआ 1 घंटा। वापस इसी फॉर्मेट पर वापस आने पर कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। घंटे वाली सुई को 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसका ध्यान रखना। मिनट वाली सुई 60 मिनट में लगाती है, और घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक घंटे में बनाएगा 360 / कितना? 12। कितना हुआ जी? 12 × 36 30 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। एक घंटे में तो 1 घंटे में कितना बना? 30 डिग्री बना। चलो एक बार उसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको कैसे हुआ। ठीक है, 12 और 1 के बीच में कितने पॉइंट चलते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। 12 और 1 के बीच में पॉइंट चलेंगे आपके पास कितने? 4। 1, 2, 3, 4। मैंने बीच में बोला है, इसका ध्यान रखना, मैंने बीच में बोला है 12 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? 4 पॉइंट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, ये पॉइंट्स भी हो गए और ये आपके मिनट भी हो गई। अब मिनट वाली सुई की तरफ देखिए, मिनट वाली सुई इस पर आएगा तो कितना डिग्री हुआ? 6 डिग्री, कंसेप्ट अपन देखा था। इस पर आएगा तो 12, इस पर आएगा तो 18, इस पर आएगा तो 24, और इस पर आएगा तो कितना? 30। डन, अपने वो चीज़ निकाली कि एक घंटे में कितना डिग्री चलेगा, घंटे वाले सुबह 30 डिग्री चलेगा। बात क्लियर आपका? तो ये तो बात हुई एक घंटे के ऊपर, जो कि 30 डिग्री। अच्छा, एक घंटे में जो है मिनट कितने होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, वो भी देखने वाली चीज़ है। तो 60 मिनट में अगर ये चलता है, 30 डिग्री चलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक घंटे लिखा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। डन, तो एक मिनट में कितना होगा जी? 30 / कितना? 60 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/2, हाफ हो गया इसका। बात क्लियर आपका? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक इन्हीं पे बनता है। और इन्हीं से क्वेश्चन को अगर पूछता है, पिछले कुछ मैंने देखा है, कुछ सालों के अंदर SSC के एग्जाम्स जो लगे थे उसमें मैंने इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे थे, जो कि बहुत ज़रा डीप क्वेश्चन भी थे और नॉर्मल क्वेश्चन भी मान सकते हैं। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वो आराम से इजी वे में कर सकते हैं। बात क्लियर? चलो, ये बात हुई। अब आगे देखते हैं इस वाले फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन किस पर बात कर रहे हैं? एंगल पर। और अपना जो फर्स्ट एंगल था वो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री पर था। डन, 0 डिग्री या फिर कितना? 360 डिग्री पर था। चलो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे आप कि एंगल पर अपन बात कर रहे हैं, 0 डिग्री बात कर रहे हैं, तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, दोनों कौन कौन सी? मिनट वाली और घंटे वाली, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी? ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। काफ़ी समय से इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत बार पूछा भी गया कि साहब 12 घंटे में दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं वो कितनी बार संपाती होगी। तो मेन जो क्वेश्चन है वो इसी से बन के आता है। चलो अपन देख लेते हैं। एक घंटे में
घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करना, इसको ओवरलैप भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को ढकना भी बोल सकते हैं, जुड़ भी बोल सकते हैं, इसको संपाति भी बोल सकते हैं। तो एक घंटे में ये होगा, एक बार दोनों एक दूसरे को जो है ढक लेगी, संपाति हो जाएगी, ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। 12 घंटे में ये होगा कितनी बार, 11 बार, और यही आपका क्या था, आंसर था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाति होगी, तो कितनी बार संपाति हो रही है, 11 बार, ठीक है। यहाँ पर एक कम कैसे हो गया भाई, घंटे तो पूरे पूरे 12 हैं, यहाँ पर एक कम कैसे हो गया, चलो देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, और उस घड़ी के अंदर ये कुछ टाइमिंग्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने घड़ी बनाई है, ठीक है। अब एक मिनट यहाँ इस तरफ देखिए जरा, कि मैंने दोनों सुइयों को इस प्रकार से ओवरलैप कर दिया, मतलब 0 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 12 से 1 के बीच में, कहाँ से बीच में, 12 से 1 के बीच में। पहले बताओगे जरा कि कौन से सबसे पहले चलेगी, मिनट वाली या फिर आवर्स वाली, शुरू से मतलब मिनट वाली घड़ी जो है, सुई जो सुई है वो घड़ी के अंदर आगे जाएगी। तो जब ये आगे जाएगी तो ये वापस दोनों एक दूसरे को कब ओवरलैप करेगी, ये जब ओवरलैप करेगी तो वो यहाँ पर करेगी। वह कहना तात्पर्य ये कि 12 और 1 के बीच में कोई भी यहाँ पर घड़ी जो है, दोनों जो सुइयाँ हैं वो ओवरलैप नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में दोनों की दोनों सुइयाँ 12 बजे ही ओवरलैप कर रही है। टाइमिंग कितना हुआ यहाँ पर, टाइमिंग 2 घंटे का है, लेकिन ओवरलैप कितना हुआ, 1 घंटे का। तो यहीं पर वो 1 घंटा क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आता आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना भैया, किसने ऐसे कैसे हु भी किसने आते हैं, ठीक है। इनको नोट भी करते जाना आप लोग। और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार ये एक दूसरे को जो है ढक लेती है, ओवरलैप कर लेती है। डन, बहुत ही जैसा फॉर्मेट है, उसके अलावा और 0 डिग्री कहीं बनता नहीं है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब इसका अपन को टाइमिंग पूछता है कई बार, ये तो मैंने बता दिया भाई कितनी टाइम्स बनता है, ठीक है। अब अपन को क्या होगा कि एंगल देकर के टाइम पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कब होगी, या फिर 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। डन, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, बहुत मैं आपको ये बता दूं कि बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि पूर्ण रूप से परफेक्ट काम करेगा। इसमें 1% भी जो है आपका 19-20 नहीं होगा, है ना। अगर पूर्ण रूप से बेसिक से करोगे, घड़ी बना के काम करोगे, तो आंसर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या होगा, अपन कौन से बारे में बात कर रहे हैं, 0 डिग्री बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला ये होगा 16/11 समय, क्या है 16/11 समय, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपन इसका बेसिक रूप से अपन देख रहे हैं, शुरुआत से देखते आ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी आपने देखा कि मैंने कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आपको चीज़ समझ में नहीं आई, बहुत ईजी सा फॉर्मेट बताया था मैंने आपको, बेसिक ट्रिक्स बताई थी, आज ही वही काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो आपने बता ही लिया होगा, चलो इस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन क्या है वो फिर देख लेते हैं, 3 से 4 के बीच किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक्स क्या है, 16/11 समय, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो 16/11 समय, समय कौन सा जी, मेन बात है समय कौन सा। तो समय होना चाहिए आपका हमेशा कौन सा वाला, पहले वाला समय, पहले वाला समय। जैसे 3 से 4 के बीच में कौन सा समय हुआ, पहले वाला समय कौन सा है, 3, अच्छा ठीक है। 5 से 6 के बीच में पहले वाला समय कौन सा हुआ, यहाँ पर 5, क्योंकि अपने इसी बारे में बात कर रहे हैं भाई, 0 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, कितने बजे मिलेगा, वो तो 3 बजकर ही मालूम चलेगा। तो पहले वाला समय कौन सा है, 3 वाला है यहाँ पर, तो 16/11 अब अपन इसको क्या है, सोल्यूशन अपन कर लेते हैं, तो 6 18 180/11 यही तो है आपका। समझ में आया आपको, बहुत ईजी सा फॉर्मेट है यार, कैलकुलेशन करनी है बस, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो आगे जल्दी देखते हैं, तो 11 कम 11 कितने बज गए यहाँ पर, 7 11 6 66 4 11, तो कितना आंसर हुआ, 3:16 = 4:11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, ढक लेगी, या फिर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, संपत्ति हो जाएगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, समझ में आया आपको। चलो आगे नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पॉइंट, ये तो हुआ आपका कौन सेगा, 0 डिग्री का।
इसको फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूँ। जीरो डिग्री का क्या हुआ, 16/11 इंटू समय, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जीरो डिग्री तो आपको हुआ, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण कब कितनी बजे बन, कितनी बार बनेगा, ये सब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। चलो पहले अपन देखते हैं कितने टाइम्स बनता है 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण बनता है एक घंटे में एक बार, कितनी बार, एक बार। 12 घंटे में यहाँ ये बनेगा कितनी बार, 11 बार। यहाँ पर फिर एक कम हो गया, यहाँ पर फिर एक कम हो गया, कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से अपन एक घड़ी बनाते हैं, आप इसकी तरफ नजर रखें। सबसे पहले आपको देखना ये कि 180 डिग्री को बोलते क्या है, इसको अपन बोलते हैं लंबवत। ये एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा दोनों घड़ियों के बीच में एक बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बनता है, जो एक सीधी रेखा होती है। जैसे आपने देखा होगा फिक्स जो है 6 बजते हैं, तो इस प्रकार का डायरेक्शन रखता है, ये एक बिल्कुल सीधी रेखा है, ठीक है, जो दोनों इस 360 डिग्री को आधे आधे में बांटती है। तो इसका मतलब 180 ये हो गया, 180 ये हो गया, डन। अच्छा, तो 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हो 5 से 6 और 6 से 7, अगर मैं 5 से 6 के बीच पूछूं कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिक्स 6 बजे बनेगा, ठीक है। और 6 से 7 के बीच में पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे, फिक्स 6 बजे बनेगा। तो यहाँ पर कॉमन जो है 6 दो बार हो चुका है, मतलब 6 बजे दो बार कॉमन ले चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये यह हो गया कि यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा, इस टाइमिंग की दो घंटे की टाइमिंग में एक घंटा अपन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात क्लियर। फिर देखिए 5 से 6 के बीच में कितनी बार, एक बार, जो कि फिक्स 6 बजे। 6 से 7 के बीच में कितनी बार, वापस एक बार, जो कि टाइमिंग क्या रहा कॉमन 6। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दो घंटे के दरमियान यहाँ पर एक बार 180 डिग्री का कोण कम बनता है। बात क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। एंड 24 घंटे में यही प्रक्रिया 22 बार होती है, डन। तो एग्जाम में क्या बात पूछता है, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, बताइए जरा कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या है, इसका फॉर्मूला ये कि 16/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। क्या फॉर्मूला है, 16/11 इंटू समय प्लस माइनस 6, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा, इसके पीछे भी वजह है, देखते हैं वो वजह क्या है, कि यहाँ पर प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग आराम से इसको देख लो, प्लस माइनस कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, इसको नोट डाउन भी करते हैं आप लोग, प्लस कब आएगा कि जब समय 6 से पहले का हो, जब समय 6 से पहले का हो तब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डन। माइनस कब होगा कि जब समय 6 या 6 के बाद का हो, 6 या 6 के बाद का हो, या अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब समय 6 के बाद का हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 या 6 के बाद नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 बजे तो फिक्स 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास में। तो जब समय 6 के बाद का हो तो अपन को क्या करना होगा, माइनस, और जब समय 6 के पहले का हो तो अपन को यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा। चलो अपन देख लिए इस फॉर्मूले को, अब अपन इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, डन। 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण बताना है, जो बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, ठीक है, लंबवत होना चाहिए। देखते हैं जरा, 16/11 इंटू समय, समय वही पहले वाला समय, पहले वाला समय आपको कितना है 8, तो 8 अब ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, भाई सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो 8 बजे जो है
आठ से नौ के बीच पूछा गया है जो कि छः से ज़्यादा का समय है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आठ माइनस कितना, छः। आठ माइनस कितना, छः। तो 16 अपॉन 11 इंटू कितना, 2। तो ये कितना हुआ जी आपका, भाई दो से गुणा करना पड़ेगा अपन को। तो 16 अपॉन 11 मल्टीप्लाई कितना हो गया, सॉरी 2 बराबर कितना हो गया, 120 बटे कितना हो गया, 11। 120 बटे 11 को अपन अगर इसको सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा, 10 सही, 10 बटे 11। कितने बज करके, 8 बज करके 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर आपका, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग आराम से देख लीजिए। 16 अपॉन 11 इंटू 8 माइनस 6। माइनस क्यों किया, क्योंकि समय जो है वो कब का है, 6 का बाद का है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस। तो इसका सोल्यूशन करने पर क्या हुआ, 16 अपॉन 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 11। सोल्यूशन करने पर यहाँ पर 8 बज करके 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का कोण बना। समझाया बता आपको, बहुत ईजी सा कंसेप्ट। ट्रिक भी चला, कोई इतना माथा बची वाली ट्रिक इसमें है नहीं, बहुत ईजी से ट्रिक है जो कि आपको याद होने वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये याद कैसे हुए, ये सबसे बड़ी समस्या है। याद तो अपन कब करेंगे, जब अपने इसे क्वेश्चन खूब सारे कर लेंगे, ठीक है। अपने पास में 11 क्वेश्चन हो जाएगा, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। जैसे क्या, 11 क्वेश्चन कर लीजिए, याद हो जाएगा फॉर्मेट, डन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 90 डिग्री का। तो इसका जो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, जैसे आपको मैं पहले ये बता दूं कि कितने टाइम्स बनेगा, ठीक है। ये बनेगा भाई साहब कि एक घंटे में यहाँ पर कितनी बार, 2 बार। एक घंटे में कितनी बार, 2 बार। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक घंटे में हमेशा 2 बार बनता है। बात क्लियर। तो एक घंटे में कितनी बार, 2 बार। 12 घंटे में यहाँ पर कितनी बार, 22 बार। ये लीजिए, यहाँ पर भी क्या हो गया, कम हो गया। कम कैसे हुआ, 2 से 3 के बीच फिक्स 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर। एक तो यहाँ से कम हो रहा है 2 से 3 के बीच, ठीक है। और एक कम कहाँ हो रहा है, 8 से 9 के बीच। 8 से 9 के बीच यहाँ पर भी एक क्या क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बात क्लियर। 8 से 9 के बीच में अगर मैं 90 डिग्री का कोण पूछता हूँ तो वो 9 बजे ही बनेगा फिक्स। क्यों, 8 से 9 या फिर 9 से 10, इसमें भी देख लीजिए 2 से 3 या फिर 2 से सॉरी 3 से 4, 3 से 4। तो यहाँ पर भी कॉमन जो है 3 आया, यहाँ पर कॉमन कितना है, 9। तो एक एक बार यहाँ से दोनों में कम हो गया। बात क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या बात बनते हैं, क्वेश्चन तो आपसे ये बात पूछेगा 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली है क्वेश्चन आपके सामने, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछता है। बात क्लियर। फॉर्मूला क्या है, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताइए ज़रा कि 1 से 2 के बीच किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 के बीच किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला रहेगा आपका 16 अपॉन 11 इंटू समय प्लस माइनस 3। बहुत ईजी सा फॉर्मेट है, 16 अपॉन 11 इंटू समय प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर प्लस कब किया जाएगा, माइनस कब किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं अपन। प्लस करेंगे अपन जब समय 6 से पहले का हो, जब समय 6 से पहले का हो तब अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। माइनस कब करना होगा, जब समय 6 के बाद का हो। बात के लिए चलो उसको वेरीफाई भी अपन कर लेते हैं। अच्छा, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 2 बार। बात क्लियर, ठीक है। अपन एक तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और भी अपने पास में, वो और देखिए आप जरा। अगर इस झमेले में ना पड़े कि साहब प्लस कब करना पड़े, माइनस कब करना पड़े, तो इस झमेले में ना करना पड़े तो अपन इसके दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, कोई समस्या नहीं है। एक तरफ अपन प्लस कर लेंगे और एक तरफ अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, दोनों से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलो इस तरफ से अपन देखते हैं, समय क्या है 1 से 2 के बीच। फॉर्मूला क्या है, 16 अपॉन 11 इंटू समय प्लस 3। यहाँ पर क्या लगेगा, 16 अपॉन 11 इंटू समय माइनस 3। डन।
सॉल्यूशन क्या होगा इसका वो भी देख लेते हैं। 16 अपॉन 11 इंटू 1 माइनस 3, और इस वाले केस में पहले अपन इसको देख लेते चलो, 16 अपॉन 11 इंटू 1 माइनस 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, माइनस की 2 निकलेगी। ध्यान रखना कि माइनस की 2, 16 अपॉन 11 इंटू माइनस 2। ध्यान रखना समय हमें कभी भी माइनस में नहीं होता है, समय कभी भी माइनस में शो नहीं होता है। तब उस केस में अपन क्या करें, तब उस केस में अपन प्लस 12 करने से, प्लस 12 करने से अपना आंसर आ सकता है, प्लस कितना 12 करने से, 12 प्लस करने पे। तो 16 अपॉन 11 इंटू माइनस 2 प्लस 12, इसका क्या हुआ, इसका अपन ऊपर लिख लेता हूँ, 16 अपॉन 11 इंटू माइनस का 2 प्लस का कितना 12, तो क्या बनेगा, प्लस का वैल्यू बनेगा कितना 10 बनेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, तो ये कितना हो गया 600 हो गया। 11 का अपन डिवाइड करेंगे 600 के अंदर, तो क्या होगा 11 5 55, 11 चौक 44, 6 11, तो कितना बज करके 1:54:6/11 मिनट पर दोनों समयों के बीच में 90 डिग्री का कौन रहेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दूसरा कब बनेगा भाई। ये तो 1:54:6/11 मिनट पर हुआ, दूसरा कब बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो 16 अपॉन 11 समय कितना है वैसा, यहाँ पर एक, सॉरी मैंने इसमें माइनस वाला कर दिया, ठीक है इसमें अपन प्लस वाला कर लेते हैं, इसमें मैंने क्या किया माइनस वाला कर लिया, इसमें अपन क्या करते हैं प्लस वाला। ठीक है, तो 16 अपॉन 11 इंटू समय, समय कितना है एक, प्लस कितना हुआ 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 60 इंटू कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 240 अपॉन 11। ठीक है, 240 अपॉन 11, तो यहाँ पर कितना हुआ जी 11 2 22, 2 हो गए, तो 1:21:09 मिनट पर, 1:21:09 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर, बहुत तेजी से कंसेप्ट है। फिर देख लीजिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस की जो वैल्यू आई थी, आपने देखा था कि 1-3 के आने पर माइनस की 2 वैल्यू आई थी, माइनस 2। ठीक है, उस वो चीज़ वैल्यू अपन को माइनस में नहीं रखनी, क्योंकि समय माइनस में कभी नहीं आता। ठीक है, तो उस केस में अपन को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अब आपका एक क्वेश्चन और भी है कि सर, कि मेन बात ये कि साहब, कि जब वैल्यू माइनस की नहीं आती है तो फिर वैल्यू प्लस में 12 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर 10 से 11 के बीच पूछूंगा आपसे आंसर क्वेश्चन कि बताइए जरा कि 10 से 11, अच्छा ये क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन में आया ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, 10 से 11 के बीच, तो 10 से 11 के बीच में किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन भी इसके जो है दो फॉर्मेट की तरफ बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, 16 अपॉन 11 इंटू समय प्लस 3, 16 अपॉन 11 इंटू समय माइनस 3, दो फॉर्मेट पर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बात बताई थी कि जब समय 12 से ज़्यादा का हो तो क्या करना होगा, तो 60/11 इंटू समय कितना 10 प्लस कितना हो गया 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 13 हो गई, 13 होती नहीं है, तो अपन क्या करेंगे माइनस 12। ठीक है, समझा की बात आपको, पहले क्या था, पहले जब माइनस की वैल्यू आई थी तो अपने क्या किया था, प्लस का 12 किया था। इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार प्लस की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इस बार अपन क्या कर रहे हैं, माइनस का 12 कर रहे हैं। तो 60/11 इंटू कितना 1, क्योंकि ये 13 माइनस बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया इसका आंसर 5/5/11, कितने बज करके 10:05:11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब प्लस वाली वैल्यू जो है देख लेते हैं, सॉरी इस माइनस वाली वैल्यू की तरफ, 60/11 इंटू 10-3, तो 60/11 इंटू कितना हो गया जी यहाँ पर 7, 420/11, इसका आंसर क्या आएगा 11 3 33 88 2 11। ठीक है, तो कितनी बज करके 10:38:11 मिनट पर 90 डिग्री का यहाँ पर क्या होगा, कोण बनेगा। बात क्लियर, आप सभी को समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो यह बात हुई 90 डिग्री की। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अपने चीज देख ली, तीनों अपन ने देख लिया, 0 डिग्री देख लिया, 180 डिग्री भी देख लिया और 90 डिग्री भी देख लिया, लेकिन एक पॉइंट और यहाँ से उभर के आता है कि सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से 5 के बीच
45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इस फॉर्मूले से तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और मैं आपको दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला है किसी भी दोनों घड़ियों के जो दोनों सुई हैं, घड़ी के जो दोनों सुई हैं उनके जो बीच एंगल जो है फिक्स टाइमिंग पर पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 से 5 के बीच, ये तो हुआ बात किस पर, ये तो टाइमिंग से एंगल निकालने पर है, ठीक है। अभी अपन करके रहे सॉरी अपन कर रहे हैं अभी फिलहाल एंगल से टाइम निकालने पर, ठीक है। तो एक फॉर्मेट और आता है, फॉर्मेट ये है कि साहब की बताइए जरा कि 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, अब इसका मैं आपको एक सीधा सा सिंपल से एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो ट्रिक्स बहुत इजी सी है, आपको y इंटू 11/2 माइनस x गुणा 30 करना है। यहाँ पर y का वैल्यू आपको लेना है मिनट पर और यहाँ पर x का वैल्यू लेना है यहाँ पर घंटे पर। या तो आप यहाँ पर y और x मान लीजिए, या फिर यहाँ पर आप एक चीज़ और मान सकते हो, इस y की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। तो m का मतलब क्या हो गया मिनट और h का मतलब क्या हो गया आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन से अपन इस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो एम का वैल्यू यहाँ पर मिनट, मिनट कितना हो जाए यहाँ पर 30 इंटू 11/2 माइनस एच का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर, आवर कितना है 8 इंटू कितना 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी 15 165/240, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे साहब कि यहाँ पर वैल्यू माइनस की आ रही है, यहाँ पर वैल्यू किसकी आ रही है माइनस की। फिर बता दूँ कि जो ये माइनस है वो एक प्रकार का यहाँ पर डिफरेंस है, आपको यहाँ पर क्या लेना होगा डिफरेंस लेना होगा, ठीक है। क्या लेना होगा आपको यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। तो 240 में से आपको 165 माइनस करना होगा, तो वो आपका क्या निकलेगा डिफरेंस निकलेगा, वही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बात क्लियर, समझ में बात आपको? अच्छा, इसका वैल्यू कितना देगा वो बता देते हैं आपको। तो इसमें आपको 35 तो ये रह गए 200 बनने के लिए, कितने रह गए आपके 35 रह गए और 40 ही हो गए। तो 35 और 40 कितने हो गए 75। तो 8:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 75 डिग्री का कोण बनेगा। चलो ठीक है, अब आप बोलोगे साहब कि ये 75 डिग्री एंगल जो है वो कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में मैच नहीं करता, ठीक है। तो आप इस 75 को 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि जो 75 डिग्री जो एंगल बना है वो घड़ी के दोनों बीच मतलब इनर सर्किल की तरफ बना है, आउटर सर्किल की तरफ बात करते हैं। तो 360 में से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करने पर, तो 360 में से उसको माइनस करने पर नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पेन का यूज़ मैंने कम से कम लिया है, मैनुअली आपको गणना यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक बहुत आपको जो है अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके सुझाव दे सकते हो कि अपने इस वीडियो को अपन जो है कितने और तरीके से इसको बना सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आपको सामने मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वापस बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइमर आप अपने इस जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।